हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिट कोडर्स। ये हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ की 15th वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप समझा था और आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स के अंदर। हमारा आज का टॉपिक है लिस्ट। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। चलिए समझते हैं अब लिस्ट डेटा टाइप होता क्या है। सो आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है लिस्ट। सो लिस्ट हमारी होती है कलेक्शन ऑफ आइटम्स। अभी आइटम्स कोई भी वेरिएबल हो सकती, यानी कि कोई भी डेटा टाइप की वैल्यूज हो सकती है, जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग या फिर आपकी फ्लोट। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट को आखिर क्रिएट कैसे करते हैं। ओके, सो लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको कल ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं, उसके अंदर आपको अपने एलिमेंट आइटम्स डालने हैं। ओके, पहला आइटम लिखा, फिर कॉमा से आप दूसरे एलिमेंट को सेपरेट करना है। ऐसा करते करते आप जितने चाहो उतने एलिमेंट्स यहाँ पे डाल सकते हो। अब ये लिस्ट आपने बना ली, अब इसको किसी वेरिएबल में सेव भी करना होगा जिससे आप हमें नीचे अपने इस प्रोग्राम में इस लिस्ट को यूज़ कर सको। तो लिस्ट में एल आई नाम के वेरिएबल में हमने लिस्ट डाल दी। ओके, अब लिस्ट जो है वो हमारी इंडेक्सिंग को सपोर्ट करती है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रिंग में देखा था कि इंडेक्सिंग क्या होती है। सो क्या होता है कि लिस्ट के हर एलिमेंट को एक इंडेक्स वैल्यू मिल जाती है। सो जो सबसे पहला एलिमेंट होता है उसको मिलती है 0 इंडेक्स, फिर सेकेंड एलिमेंट को 1, फिर 2, फिर 3 और अप टू जितने एलिमेंट होंगे उतनी वैल्यू, वो इंडेक्स उसका मिल जाएगा। सो इंडेक्स जो है वो आपको याद रखना है कि हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। सो पहले एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू होगी 0, ना कि 1। ओके, तो इसको इंडेक्स को यूज़ करके मैं प्रिंट करवा देता हूँ। पहले तो एज इट इज़ प्रिंट करवाते हैं कि क्या हमें डील मिलता है, यानी कि एज इट इज़ हमारी लिस्ट पूरी आ चुकी है, प्रिंट हो गई। ओके, अब इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है जो भी हमारा इंडेक्स है। सो 0 लिखा, सो 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है हमारी, 10। सो अब 10 जो है प्रिंट हो जाना चाहिए। सो 10 देखिए आउटपुट में आ गया। नेक्स्ट अगर हम लिखते हैं 2, सो 2 सेकेंड इंडेक्स पे है हमारा 30। सो अब 30 आ गया हमारा। सो ऐसे आप इंडेक्स को यूज़ कर सकते हो। ओके, अब हमारी जो लिस्ट होती है वो होती है म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब है कि हम इस लिस्ट में अगर हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, यानी कि लिस्ट में मॉडिफिकेशन अलाउ होती है। और हमारी जैसे हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रिंग देखी थी तो वो थी इम्यूटेबल, यानी कि चेंज जो है वो अलाउ नहीं है, हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते उसमें। सो इसको समझ देखते हैं कि सो सपोज़ करो आपको जो आपका एलिमेंट है 0, यानी कि 0 इंडेक्स पे जो आपका एलिमेंट है 10, उसकी वैल्यू को चेंज करना है। सो आप क्या लिखोगे, एल आई लिस्ट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है इंडेक्स वैल्यू, फिर आप इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके जो भी नई वैल्यू देना चाहते हो। सो मैं दे देता हूँ 100। ओके, अब देखते हैं कि प्रिंट करवाते हैं लिस्ट को, देखते हैं कि जो हमारी वैल्यू है वो चेंज हुई है या नहीं। अब आप देख सकते हो कि जो पहले 10 था वो हो चुके हैं 100। मतलब कि लिस्ट में हम कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, सो हमें कोई भी एरर नहीं मिल रहा। लेकिन अगर स्ट्रिंग में हम यही चीज करते हैं तो हमें एरर मिल जाता है। सो अब देखते हैं लिस्ट के कुछ जो मेथड्स वगैरह है वो सब समझते हैं। पर मेथड देखने से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। तो लिस्ट में हमारे, यानी कि लिस्ट जो है वो दो ऑपरेटर्स को भी सपोर्ट कर दिया, प्लस एंड मल्टीप्लाई। सो सबसे पहले मैं दो लिस्ट बना लेता हूँ। सो इसको दे देते हैं लिस्ट 1 नाम और एक लिस्ट 2 नाम से। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 50, 60 एंड 70। ओके, सो प्लस ऑपरेटर क्या करता है कि इन हम क्या करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। सो एल आई 1 प्लस
एल आई टू। अब प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, प्लस ऑपरेटर के लिए हमें चाहिए होता है दोनों लिस्ट, यानी कि पहला ऑपरेंड भी इसका लिस्ट होगा और दूसरा भी। सो अब ये क्या करेगा, एक न्यू लिस्ट क्रिएट करेगा और उस लिस्ट में इन दोनों के एलिमेंट्स को सेव कर देगा। सो हमें लिस्ट मिलेगी 10 से 40 और फिर उसमें 50 से 70, ये वैल्यूज भी होगी। सो इन दोनों को कॉन्केटिनेट करके हमें एक लिस्ट प्रिपेयर यानी कि लिस्ट प्रोड्यूस कर देगा। ओके तो देखो यहाँ से 10 से लेके पूरा 70 तक। सो ये होगी हमारी पहली लिस्ट और 50 के बाद 70 तक होगी हमारी सेकेंड लिस्ट। सो ये होगी कॉन्केटिनेट। अब जो दूसरा हमारा मल्टीपल ऑपरेटर है उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए भी ऐसे ही लिखा। सो पहला जो ऑपरेंड होगा वो होगा लिस्ट और दूसरा ऑपरेंड होगा हमारा वो लिस्ट नहीं होगा, वो कुछ और होगा, वो होगा हमारा इंटीजर। सो सपोज करो मैं लिखता हूँ 2। सो ये क्या करेगा, हमारी लिस्ट को एक बार तो है, अब वो दूसरी बार भी वही एलिमेंट्स लिस्ट के उसी लिस्ट में डाल देगा। यानी कि अगर आपके लिए लिस्ट है 1 2 3, सो अगर आप उसको 2 टाइम करोगे यानी कि वो डबल हो जाएगा। सो डबल होगा मतलब कि 1 2 3 1 2 3, 2 बार आपकी लिस्ट बन जाएगी। मैं रन करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हो 1 से 40 फिर 1 से 40। अभी हमने 2 बार लिखा था तो ये हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई 2 लिखा था तो ये हो गया 2 बार। अगर मैं मल्टीप्लाई लिखता हूँ सपोज करो 4, सो अब हमें ये 4 बार दिखेगा। ओके सो 1 से 4 40, 10 to 40, ये 4 4 बार जो है हमारी लिस्ट आ चुकी है इसमें। ओके अब देखते हैं जो लिस्ट में कुछ मेथड होते हैं वो सब। तो सबसे पहला हमारा मेथड है वो है अपेंड। सो लिखते हैं li1.append। अब अपेंड के अंदर आपको देनी होती है कोई वैल्यू, मैं देता हूँ यहाँ पे 50। सो अपेंड क्या करेगा, सो हमारी जो भी लिस्ट है उसमें लास्ट में एक और एलिमेंट ऐड कर देगा जो भी हम यहाँ पे देंगे। सो यहाँ पे मैं 50 दे रहा हूँ, सो इस लिस्ट में 50 ऐड हो जाएगा। सो अब लिस्ट को प्रिंट करवा देता हूँ। अब देख रहे हैं कि जो लिस्ट है हमारी उसमें 50 ऐड हो चुका है। ओके तो सेकेंड हमारा एलिमेंट यानी कि फंक्शन आता है वो है पॉप। पॉप फंक्शन क्या करता है, जो भी हमारा लिस्ट है उसमें से लास्ट जो एलिमेंट है उसको डिलीट कर देगा। सो यहाँ पे 10 से लेके 40 तक एलिमेंट है तो 40 जो है उसको डिलीट कर देगा। अब लिस्ट जो बचेगी वो सिर्फ 10 से लेकर 30 तक बचेगी। प्रोग्राम सेव करते हैं और रन करा और देख सकते हो 10 से लेके 30, 40 जो है हमारा डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन आ जाता है कि इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट में आपको क्या करना होता है, पहली जो आपकी वैल्यू होगी वो होगी इंडेक्स और दूसरी वैल्यू जो भी आप आइटम डालना चाहते हैं। सो अभी हमारे ये 0 एलिमेंट यानी कि 0 इंडेक्स पे ये है, 20 जो है वो 1 इंडेक्स पे है। सो सपोज करो मैं 20 यानी कि 1 इंडेक्स पे कोई दूसरी वैल्यू डालना चाहता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स लिखूँगा 1 और वैल्यू लिख दूंगा 25। सो आप देखते क्या होता है, सेव करा प्रोग्राम और रन कर दिया। तो क्या होगा कि जो भी हमारा एलिमेंट था उससे उस पोजीशन पे यानी कि यहाँ पे क्या था 20, सो इस पोजीशन पे हमारा 25 ऐड हो गया और ये जो था वो पीछे चला गया यानी कि शिफ्ट हो जाएगा। ओके अगर मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ तो 20 और 30 के बीच में सपोज करो एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है, उससे पहले इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कुछ भी रेंडम वैल्यूज में लिख देता हूँ किसी भी ऑर्डर में। सो अभी देख सकते हो कि जो वैल्यूज है वो मतलब किसी सीक्वेंस में नहीं है, यानी कि ऐसे ही रेंडमली वैल्यूज मैंने डाल दिए। अब हमारा जो फंक्शन आता है वो है सॉर्ट। तो सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, इस लिस्ट को हमारी अरेंज कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में। सो सबसे पहला एलिमेंट हो जाएगा 23, फिर 30, फिर 45, फिर 72 और फिर 93। ऐसे करते करते जो भी नंबर है उनके साइज़ के अकॉर्डिंग वो अरेंज हो जाएगी।
असेंडिंग ऑर्डर में। सो देख सकते हो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में ये वैल्यूज़ आ चुकी है। और अगर आप चाहते हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि रिवर्स में हो जाए, सो यहाँ पे आपको करना होगा रिवर्स को ट्रू। क्या करना है आपको यहाँ पे, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू पास कर देना है सॉर्ट के, सॉर्ट मेथड के अंदर। अब जो है हमारी जो लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो देख सकते हो सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले आई है और सबसे छोटी वैल्यू लास्ट में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और भी मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इसका पार्ट टू में बना दूंगा लिस्ट का। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।